काम जो है वो हम करने जा रहे हैं और उससे भी उड़ी के सेक्टर में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स होंगी। एनएचपीसी ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है जिसका मुझे लगता है एक बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का है। आपके जमीनों पे हमने ये सारे प्रोजेक्ट्स किए और उसकी वजह से पूरा देश जो है उसका फायदा उठा रहा है, सिर्फ जे एंड के नहीं पूरी जो हमारी कंट्री है वो उसका फायदा उठा रही है। तो मैं ये समझती हूँ आज जो बच्चों ने हमें अपने प्रोग्राम से भी दिखाया उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा और कहने की जरूरत है। मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ यहाँ के बच्चों को, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। मतलब मैंने बहुत सारे स्कूलों में कॉलेजों में प्रोग्राम्स देखे बट आई वाज रियली रियली इम्प्रेस्ड। आपका जो ये नाटक था, नुक्कड़ नाटक था, उसमें आई थिंक इमरान था, वो कौन था इमरान, और उसके साथ जो पूरी टीम थी अगर वो यहाँ मौजूद है, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम, बहुत ही अच्छा। आज का प्रोग्राम हमने जो ऑर्गेनाइज किया था वो उड़ी सब डिविजन में किया था। इसका मेन टॉपिक था उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य। ये हम एक वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हमने अपना जो गोल है हर घर बिजली का वो अचीव कर लिया है। इसी को सेलिब्रेट किया जा रहा था आज उड़ी में भी, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें बहुत सारे एरिया से लोग जिन्होंने बेनिफिशरीज थे सौभाग्य के और इस तरह की और पीडीडी की स्कीम्स के, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और हमने इस बारे में अवेयरनेस फैलाई कि किस तरीके से बिजली को कंजप्शन को रिड्यूस करना चाहिए और इसके साथ साथ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी से लेकर हमें आना है टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसके बारे में भी जो है यहाँ पर स्किट्स हुई, नुक्कड़ नाटक हुए, लोकल बच्चों ने जो है इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अपने स्किट्स के जरिए अपने गज़ल्स के ज़रिए ये पैगाम लोगों तक पहुँचाया कि बिजली को बचाना है और यही नारा यहाँ पर सब लोगों ने दिया। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य की एक बहुत अच्छी कल्मिनेशन हमने उड़ी में की। इससे पहले भी बारामूला में हमने ये प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व किया था और सारे बेनिफिशरीज जो थे वो पूरे बारामूला से आए थे। हमारी अंडरग्राउंड केबलिंग जो है गुलमर्ग में भी बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट की गई है इवन बाय द टूरिस्ट, क्योंकि इससे एक तो हमारी जो अनशेड्यूल्ड कट्स थे डिफरेंट रिसीविंग स्टेशंस बने उससे कम हो गए हैं, ट्रांसमिशन में डिस्ट्रीब्यूशन में जो इश्यूज थे वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और इसी की सेलिब्रेशन थी ये उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य।